अस्सलामुअलैकुम, जुमे का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम पिशावर में। और ये आप लोगों को बता दूँ कि जो ग्रिल लग चुका है, ग्रिल के ऊपर पेंट का काम हो चुका है, वाइट कलर का पेंट लग चुका है और बड़ी खूबसूरत अच्छे बेहतरीन लुक दे रहा है। और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि इस वक्त मैं कौन से ब्लॉक में खड़ा हूँ और यहाँ पर कौन से चेयर्स लगेंगे, और ये ज़रूर मेंशन कर दीजिए। और बाकी ये आप लोगों को बता दूं कि ग्रिल का काम इस वाले ब्लॉक के सामने कंप्लीट हो चुका है और ग्रास की जो प्लांटेशन है 100% वो भी कंप्लीट हो गए हैं और मेन एंट्रेंस की जो फिनिशिंग है वो भी आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं पवेलियन के बारे में। पवेलियन का लुक जो है बड़े ही खूबसूरत और शानदार लुक है। उसी के साथ जो है मीडिया ब्लॉक है, इसके ऊपर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। ग्रिल मीडिया ब्लॉक के सामने जो ग्रिल है वो भी वाइट हो जाएगा और यहाँ पर एक बेहतरीन लुक दे जाएगा। फिर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ऊपर जो चेयर्स की इंस्टॉलेशन है वो भी कंप्लीट हो गई है और टेलसाइन मेम्ब्रेन शीट जो आप लोगों को नज़र आया है वो भी कंप्लीट हो चुका है और ग्रास जो ढाका ग्रास है आप लोगों को नज़र आ रहा है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस वाले ब्लॉक में आप लोगों को बता दूं कि जो पेंट का काम आप लोगों को नज़र आ रहा है और पेंट का काम हो रहा है, ये ग्रे कलर का पेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत लग रहा है। और उसी के साथ ये आप लोगों को वाइट नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी पेंट का काम शुरू हो जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और आज का जो खूबसूरत वेदर है, इस वेदर में आप लोगों के साथ अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम पेशावर की एक वीडियो होनी चाहिए और यहाँ आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते हो और सब्सक्राइब करते हो। और ऊपर वाले ब्लॉक में ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो पाइप्स आप लोगों को मैंने नीचे बताए थे वो पाइप्स हटा दिए गए हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा और वो भी मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बहुत जल्द। खूबसूरत मौसम है और खूबसूरत स्टेडियम है और उसी के साथ टफ टाइल के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि उसके ऊपर भी काम जारी है। स्टेयर स्टेप्स जो हैं उसकी फिनिशिंग के ऊपर आप लोगों को ये मसाला ईंट और फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट ये जो रेशो है जिस रेशो से बन रहा है मसाला, क्योंकि जो स्टेयर स्टेप्स है उसके ऊपर काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है और वो भी फिनिशिंग टच में है। और माशाल्लाह ये लुक आप लोगों को नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतरीन लुक है। और मसाले की ये फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट जो हैं यहाँ पर पड़े हैं, बार बार बताने का मकसद ये है कि जो रेशो के साथ काम कर रहा है वो भी बड़ा खूबसूरत रेशो है। ग्रिल के बारे में बताएंगे कि ये वाइट कलर का ग्रिल जो है इस वाले ब्लॉक में भी कंप्लीट हो चुका है और इसके नीचे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने इंशाल्लाह जो टेलसाइन मेम्ब्रेन शीट है उस वाले ब्लॉक में, इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं कि इस वाले ब्लॉक में काम शुरू हो गया है। और इस साइड पर भी आप लोगों को वाइट कलर का ग्रिल जो नज़र आ रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। और बाकी सिनेमैटिक शॉट का मतलब यह है कि खूबसूरत वेदर में ये क्रिकेट स्टेडियम।